कभी मैं कभी तुम का जो खूबसूरत सा ओएसटी है बिल्कुल धीमा धीमा सा, वो बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है। ड्रामे के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने क्लेवर चॉइस की कि उन्होंने इसी तरह का ओएसटी भी रखा। व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। अंकल वाकई आप ये बंद कर दें, अब बहुत हो गया। ये करण ओजला ने भी यही कहा, तोबा तोबा करवा दी। दिलजीत ने उनको कहा कि इतनी बड़ी स्टार आई हो और फिर उन्होंने उनको स्टेज पे बुला लिया। मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा शरीफ की और गुलाम मईउद्दीन की फिल्म जो थी, चाइना भी गई और चाइना की मार्केट में उस वक्त 60 मिलियन टिकट्स उसके बिके थे। अरुण हमें ये बताएं कि किसी भी ड्रामे की कामयाबी में उसका ओएसटी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। कई हमने ड्रामे ऐसे भी देखे कि ड्रामा हिट नहीं हुआ लेकिन ओएसटी बहुत ज्यादा हिट हुए, तो इस पीक कौन सा ओएसटी है किस ड्रामे का जो कि शायकीन के दिल में उतर गया? अभी जो फिलहाल ड्रामे ऑन एयर हैं उसमें तो कभी मैं कभी तुम का ओएसटी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और ड्रामे के साथ साथ उसकी मकबूलियत जो है वो जुड़ी हुई है और ड्रामा की मकबूलियत में उसका एक बहुत बड़ा किरदार भी है। तो कभी मैं कभी तुम का जो खूबसूरत सा ओएसटी है बिल्कुल धीमा धीमा सा, वो बड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर दे रहा है, तो इसलिए व्यूअर्स को बहुत पसंद आ रहा है। और ओएसटी की रिवायत हमें पता है पाकिस्तान में इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि हमने हम सफर देखा तो ओएसटी के साथ देखा, और हमने जो भी ड्रामे हम अगर तेरे बिन देखा तो हमने ओएसटी के साथ देखा, तो ओएसटी इस बड़ा अहम रोल अदा करता है। अच्छा, तो ये बड़ी अहम बात है कि अभी तक जो है ये ट्रेंडिंग में जा रहा है ये बिल्कुल। और इससे पहले जिस तरह आपने हमसफर की बात की है वो तो इतना ट्रेंड किया, उसकी वीडियो और वो ब्लैक कलर की फ्रॉक और वो डिजाइनिंग और ब्लैक कलर का जो थीम था वो तो नजब को सारी याद है, सारी बातें हसबर की हुई है। लेकिन हम अभी अपने नाजरीन को जो उनका जी नजब ने ब्लैक कलर के कपड़े बनवाए उसके बाद जी बिल्कुल, और आज भी मैंने इस पर बात करनी आज भी ब्लैक पहना हुआ, व्हाई नॉट, टॉप पहनते हैं ब्लैक कलर का। बड़ा सूथिंग सा ये गाना है और बड़ा शुएब अच्छा एहसास होता है लोगों के जी, यंग लोगों के साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है। आजकल इसी तरह का म्यूजिक सुना जाता है, तो बड़ा क्लेवर उन्होंने जो फिल्म के ड्रामे के डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने क्लेवर चॉइस की कि उन्होंने इसी तरह का ओएसटी भी रखा। बिल्कुल हारून, अभी आपका मूड अच्छा किया, अपना भी मूड अच्छा हो गया, नाजरीन का भी अच्छा हो गया, अब थोड़ा सा खराब कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात खराब कर रहे हैं, तो मतलब अब हम आपको फिर एक दूसरा ही रुख दिखाते हैं बिल्कुल, यानी मौसीकी का बिल्कुल पैरेलल। तो मेरा ख्याल है इन्हें फिर चाहत फतेह अली खान का गाना बड़ा पसंद आएगा। मैं तो यही कहूंगा कि ये प्लीज अंकल वाकई आप ये बंद कर दें, अब बहुत हो गया। ये करण ओजला ने भी यही कहा कि अब ये जो है ये चाहत फतेह अली खान को बस कर देना चाहिए। अच्छा, करण जोहर ने फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस इसको बहुत शाउट आउट दिया जी, तो मेरे ख्याल में वो भी एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि ये वाकई मौसीकी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है और चाहत फतेह अली खान को कमेंट करें। अरुण ये ज्यादती नहीं है, ये तो बल्कि बंदा कहता तूने तो तोबा तोबा करा दी यार, अब खात्मा कर दे इसका। बिल्कुल तोबा तोबा करवा दी। अच्छा, बताइएगा हारून, इसके बाद किसी अच्छे गाने को बर्बाद ना करें। जी बिल्कुल हारून, बताइएगा टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा कौन सा चल रहा है इस हफ्ते? अच्छा, जो जो ड्रामे मशहूर हैं, बिस्मिल आपको बताया है, कभी मैं कभी तुम, ये तो हमें पता ही है कि इसकी स्टोरी भी पता है, मकबूल है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन अभी एक जो नया ड्रामा जिसकी अब मेरे ख्याल में थर्ड एपिसोड आने वाली है, दो एपिसोड आ चुकी हैं, वो है सुन मेरे दिल, जियो एक चैनल के ऊपर आ रहा है ये। और ये ड्रामा भी एकदम से जो है ना मकबूलियत इसने हासिल की, और इसकी बड़ी अहम वजह इसकी जो लीड कास्ट है वो है, और वो है वहाज और मायाली, और ये दोनों जो है बहुत अरसे से नाजरीन जो है वो इनको देखना चाह रहे थे साथ। आपको याद होगा जो बिछड़ गए हम, वो एक ड्रामा सीरियल था जिसमें ये दोनों इकट्ठे नजर आए थे, और उसके बाद अब इस ड्रामे में इनका इनका पेयर नजर आ रहा है, और ये असल जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनकी एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है जो कि स्क्रीन के ऊपर नाजरीन को देखने को मिलेगी। और लिखने वाले हैं बहुत बड़े हमारे लिखारी जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, तो वो जो है उनकी उनकी कहानियां अच्छी होती हैं, डायलॉग इंटरेस्टिंग भी बहुत होती हैं। लेट्स सी, ये ड्रामा बहुत जल्दी, वो खुद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, उनकी कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जी जी, और बड़ा डर के अदब के साथ उनका नाम लेना पड़ता है, क्योंकि वो गुस्सा हो जाते हैं, रखता जो है ना वो बिल्कुल, वरना किसी शो में बैठ के वो आपको याद कर लेंगे। हारून, इससे पहले कि वो मुझे याद करें, मैं उनको बहुत इज्जत एहतराम के साथ सलाम करता हूँ, और उसके बाद ये तबसरा कर रहा हूँ कि अच्छा, मजे की बात ये कि ये वही चैनल है जिसने पहले ये ऐलान किया था जब एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि अब वो खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ कभी काम नहीं करेगा, और खलील साहब ने भी ये कहा था कि मैं इस चैनल के साथ कभी काम नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह की जो डेफिनेट स्टेटमेंट्स है ना वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब वो दोनों फिर इकट्ठे ये ड्रामा कर रहे हैं, वो चैनल भी और खलील साहब भी,
तो इस तरह की इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं कि आपके पास कोई लामहदूद ऑप्शंस हो, आपने घूम फिर के आना तो वही है। उसके बावजूद भी हारून मेरे ख्याल में इस तरह की हार्श और इतनी सख्त और सीरियस स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। आज आपका दिन बुरा किसी के साथ गुजरा है तो कल अच्छा भी गुजर सकता है। अच्छा, आपकी राय जानना चाहेंगे इस हवाले से कि लंदन में होने वाला जो कॉन्सर्ट था जिसमें दिलजीत और हानिया की एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमने देखी, हानिया ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया पाकिस्तान को, दिलजीत ने बहुत प्रेज किया, एडमायर किया हानिया को, उनके ड्रामों को, उनके जेस्चर्स को, तो आप समझते हैं कि हानिया पाकिस्तान की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगी फर्दर मोर? बहुत खूबसूरती से और बड़े अच्छे तरीके से, मॉडर्न तरीके से, हालांकि दिलजीत ने उनको कहा कि इतनी बड़ी स्टार आई हो और फिर वो सिर्फ जो है वो कॉन्सर्ट में जो सुनने वाले हैं उनके साथ बैठी हो, फिर उन्होंने उनको स्टेज पे बुला लिया, तो हानिया के लिए दिल है। लेकिन ये है कि उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह वो अपने ड्रामों को, स्क्रिप्ट्स को चूज करती हैं, उसकी वजह से उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इंशाल्लाह यू नो विद इन ईयर्स आई वुड से कि हानिया विल इमर्ज एज एन इंटरनेशनल ब्रांड फॉर पाकिस्तान और वो फिर जो है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखे ना, दोनों जानिब से बड़े गुडविल जेस्टर्स हैं जो कि एक्सचेंज हो रहे हैं और बड़े खुश मिजाजी से पेश आते हैं और एक दूसरे को प्रेस करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया पर भी। लेकिन दूसरी जानिब जो फैसला साज हैं उनको क्या कहेंगे? देखें, मौला जट इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म है पाकिस्तान की, उसको जो है वो दिखाने की इजाज़त ही नहीं दे रहे भारतीय शायकीन को। जी अनफॉर्चुनेट हुआ क्योंकि हम बड़े एक्साइटेड थे कि हमारी फिल्म वहां जाएगी और दिखाई जाएगी सिनेमाज में, और सिनेमाज का के थ्रू जो है वो एक डिप्लोमेसी भी किरदार अदा करती है। लेकिन ये है कि वहाँ के जो मुझे लगता है इस वक्त जो रिजीम है वो इतनी क्लोज माइंडेड है कि वो कोई विजन नहीं रखती इस सिलसिले में, तो उन्होंने जो है वो ऑफकोर्स नहीं लगने दी फिल्म। हालांकि वो एक अच्छी खूबसूरत फिल्म है और एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट मिल सकती थी क्योंकि बॉलीवुड से अभी इतनी अच्छी फिल्में नहीं आ रही, तो उनको भी जरूरत है कि उनके सिनेमाज की तरफ लोग आए तो अच्छी फिल्मों के थ्रू आए। अब OTT के बाद तो और भी मुकाबला सख्त हो गया है सिनेमा का और OTT का, तो अगर उनको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा था तो इट्स देयर लॉस। हमने तो बहुत एंजॉय की है और फिल्म हमारे हिसाब से सुपर डुपर हिट भी है, अगर उसके बजट के साथ उसको मैच किया जाए तो फिल्म ने बहुत पैसा कमाया। इसमें आप क्या समझते हैं कि जो भारतीय आवाम है जो कि हमारे ड्रामों को बड़ा पसंद करती है, बड़ा प्रेज किया जाता है, बड़ी तारीफें की जाती हैं पाकिस्तानी ड्रामास की, उनको भी अपनी ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा जरूर करना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ कोई अच्छी फिल्म नहीं बन रही तो कोई अच्छी फिल्म अगर आ रही है तो उसे लगने दे आप सिनेमाज में? जी बिल्कुल, आई थिंक फनकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर डालें कि भाई हम अगर आर्टिस्ट हैं और हम दूसरे मुल्कों में जाकर परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसी तरह दूसरों के लिए हमारी भी मार्केट खुली होनी चाहिए, तो ये फनकारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पता है कि वहां पर अभी किस किस्म के हालात हैं, आपने देखा सलमान खान के साथ क्या हो रहा है, शाहरुख खान के साथ माजी करीब में क्या हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी फनकार थोड़ा घबराते भी हैं कि अगर वो इस किस्म की कोई प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं तो पता नहीं गवर्नमेंट उनको किस तरह विक्टिमाइज करेगी। तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया में कोई चेंज आने वाली नहीं है जब तक ये सरकार बैठी है। हारून, आपसे तो बातें करने का इतना मजा आता है और वक्त कहां गुजर जाता है समझ ही नहीं आता। ये आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान और चाइना में ड्रामा और फिल्म पे को प्रोडक्शन के हवाले से जरा खबरें सुनने में आ रही हैं, आप बताइएगा कि ये खबरें दुरुस्त हैं, क्या हकीकत है और दोनों मुमालिक की जानिब से क्या ये जो वेंचर है हो पाएगा जॉइंट वेंचर? मेरा नाम मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत, बाबरा शरीफ की और गुलाम मईउद्दीन की फिल्म जो थी वो लव स्टोरी एक अंग्रेजी फिल्म थी उसके बेसिस पे बनाई गई थी और वो फिर चाइना भी गई और चाइना की मार्केट में उस वक्त 60 मिलियन टिकट्स उसके बिके थे और एक सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी क्योंकि वो असल में एक चाइनीज फोकलोर के ऊपर बेस्ड स्टोरी थी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, 1975 में फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई, 81 में चाइना गई थी। उसके बाद हमने देखा एक दो ड्रामे पाकिस्तान टेलीविजन ने और चाइनीज गवर्नमेंट ने और वहां के टेलीविजन चैनल्स ने मिलकर बनाए, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को चाइना की मार्केट की तरफ देखना चाहिए। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सिनेमाज बेतहाशा हैं चाइना में। तो अब वो आपको याद होगा इशरत मेड इन चाइना एक फिल्म आई थी अभी पिछले दिनों मुहिब मिर्जा की, तो इस तरह की फिल्में और फिर वो फिल्में जो कि फिर हम चाइना भेज सकें, डब करके भेजें, सबटाइटल्स के साथ भेजें और चाइना की मार्केट में भी लगाई जाएं। हर मैदान में हम उनके साथ, हारून पहले जॉइंट वेंचर कर रहे थे तो इसमें क्यों नहीं, इसमें भी आयरन ब्रदर्स हैं तो हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। यकीनन लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट का सामान है वो इससे पैदा होगा, दोनों तरफ से जो लोग हैं वो एंजॉय करेंगे इस चीज। और हमारा मन नहीं करता ये सेगमेंट खत्म हो पर क्या करें, वक्त की किल्लत है, तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।